ठीक है. सो दीज थ्री एक्सिस बेटे द ऑर्बिटल डी एक्स वाई डी वाई जेड एंड डी एक्स है, ये क्या होते हैं, इनके जो लोब्स हैं दे आर लाई इन बिटवीन द एक्सिस. इफ दे लाई इन बिटवीन द एक्सिस व्हेन द लिगेंड्स विच आर कंसीडर्ड एज पॉइंट चार्जेस इन द केस ऑफ नेगेटिवली चार्ज दे विल मूव डाउन इन केस ऑफ द ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स. इट डिपेंड अपॉन द कॉम्प्लेक्सिस कौन कहाँ जाएगा, इट इज टेट्राहाइड्रल और ऑक्टाहाइड्रल, बट दीज थ्री आर कंसीडर्ड इन टी टू जी. ओके, नाउ द नेक्स्ट टू दैट इज डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर एंड डी जेड स्क्वेयर, दीज टू lie on the axis. This is d x square minus y square and this is bete dz square having a donut like shape and it lie on the axis. ठीक है, इसको consider किया जाता है eg में, so it is eg. okay, ये जो ऑन द एक्सिस में है वो क्या थे, इन बिटवीन द एक्सिस. अब जब लिगेंड अप्रोच करते हैं, जब तक लिगेंड अप्रोच नहीं करे, अब ये जो सारे हैं सारे ऑर्बिटल्स की सेम एनर्जी होती है. जब ऑर्बिटल्स की सेम एनर्जी होती है तो हम कहते हैं ये दीज आर डीजनरेट ऑर्बिट. ये जो मैंने बनाई है, ठीक है, ये मानो कौन कौन से हैं, डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स, इनकी सबकी सेम एनर्जी है. ठीक है, तो दिस इज जी जेड स्क्वायर, मानो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, मानो डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स. ठीक है, इन सबकी एनर्जी सेम है. जब हम एनर्जी सेम की बात करते हैं इन्हें कहते हैं दीज आर डीजनरेट ऑर्बिट्स. These are degenerate. इनकी एनर्जी में कोई डिफरेंस नहीं है. अब क्या हुआ बेटे, लिगेंड अप्रोच करना शुरू करे. अब जब ऑक्टाहाइड्रल, ये ऑक्टाहाइड्रली लिगेंड अप्रोच करना शुरू करते हैं तो आपको पता है थ्री एक्सिस है, जो तो एक्सिस के ऊपर लाई करेंगे वो, क्योंकि ये पॉइंट चार्जेस हमने कंसीडर किया है, चार्जेस या डाइपोल्स आ रही हैं सेंट्रल मेटल एटम, यहाँ में मानो सेंट्रल मेटल एटम है, इनकी तरफ ये पॉइंट चार्जेस आ रहे हैं. जब ये पॉइंट चार्जेस आना शुरू होते हैं बेटे तो यहाँ पे एक रिपल्शन सी क्रिएट होनी शुरू हो जाती है. ठीक है, जब ये पॉइंट चार्जेस जो लिगेंड्स है अप्रोच करना शुरू कर देते हैं तो ये जो फाइव डी जनरेट ऑर्बिट्स हैं ये स्प्लिट कर जाते हैं. ठीक है, अब पहले तो इनकी एनर्जी स्लाइटली हायर होगी, the energy will be slightly higher. पहले तो सारी एक जैसे रिपेल करेंगे, दो तीन चार पांच. ठीक है, तो एवरेज एनर्जी सबकी बढ़ जाएगी. ओके, एवरेज एनर्जी सबकी बढ़ जाएगी. इसके बाद जब लिगेंड और अप्रोच करना शुरू करेंगे, बहुत पास आ जाएंगे, तो जो ऑर्बिट है एक्सिस के ऊपर लाई करते हैं उनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, ज्यादा, वो ज्यादा रिपेल करेंगे. और जो जिनकी एनर्जी जो एक्सिस के इन बिटवीन लाई करते हैं द रिपल्शन इज वेरी मच लेस. ठीक है, देन एनर्जी विल बी लोअर्ड. अब हमें पता है बेटे इन केस ऑफ ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स, यू हैव टू डू ओनली ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स, द ऑर्बिटल डी एक्स वाई डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स लाई इन बिटवीन द एक्सिस. व्हेन दे विल लाई इन बिटवीन द एक्सिस व्हाट विल हैपन, द एनर्जी विल गेट लोअर्ड. ठीक है, एंड द ऑर्बिटल विच लाई ऑन द एक्सिस दैट इज डी एक्स जेड स्क्वेयर एंड डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, एनर्जी विल बी गेटिंग हायर. तो देयर इज अ स्प्लिटिंग ऑफ दीज ऑर्बिट लाइक दिस. सो इन द लोअर वी विल गेट डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स. ये कब हो रहा है, जब लिगेंड्स अप्रोच कर रहे हैं, जब ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, कोबाल्ट ने सिक्स अमोनिया के साथ जब बॉन्ड बनाना है तो ऐसे स्प्लिटिंग होगी. ठीक है, ये सी एफ टी ने हमें बेटे ये एक्सप्लेन कर दिया
कि क्यों कोई आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनता है, क्यों कोई इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनता है। ठीक है, तो अगर हमने हाइयर बनाना हो तो ये क्या हो जाएंगे, दो हाइयर, क्योंकि ये ऑन द एक्सिस पे है, इट इज ऑन द एक्सिस। ओके, ये जो जितनी इनके बीच में जो डिफरेंस आया है उसके हम डेल्टा नॉट से बताते हैं। डेल्टा नॉट दैट इज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, डेल्टा नॉट। ठीक है, अगर ये नीचे गए हैं तो कितनी एनर्जी से गए हैं, अगर ये ऊपर आए हैं तो ये कितनी एनर्जी से आए। तो ये अगर टोटल 5 में से, तो ये 3/5 डेल्टा नॉट है, और ये क्या हो जाएगी, 2/5 डेल्टा नॉट। ठीक है, ओके, तो ये क्या हो गया, किसमें होगी, ये स्प्लिटिंग हुई है बेटे ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स में। जो टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स है उसमें स्प्लिटिंग उल्टा होती है। ठीक है, क्योंकि जो लिगेंड्स है उस केस में ये माने जाते हैं कि ऑल्टरनेट कॉर्नर ऑफ द क्यूब पे है। ठीक, ऑल्टरनेट कॉर्नर ऑफ द क्यूब, टेट्राहेड्रल इज नॉट इन योर सिलेबस येट, मगर चलो फिर भी आई विल गिव यू सम ग्लैंस ओवर इट, कि जो ऑक्टाहाइड्रल है वो तो ऐसे माने जाते हैं, टेट्राहाइड्रल में ये माना जाता है कि ऑल्टरनेट कॉर्नर ऑफ द क्यूब पे लाई करते हैं। ठीक है, और बीच में क्या है, मेटल एटम। तब T2G की, मतलब T2G क्या होगी, ये वाली T2G की एनर्जी हायर हो जाती है और EG की कम हो जाती है। अब ऑक्टाहाइड्रल में T2G नीचे है और EG ऊपर है, जब टेट्राहाइड्रल आता है तो EG नीचे आ जाता है, T2G ऊपर चला जाता है। ठीक है, क्योंकि उस टाइम में जो स्प्लिटिंग है वो इन्वर्टेड हो जाती है, और ये जो स्प्लिटिंग है टूटना दोनों का, वो एनर्जी जो है इन दोनों में जो एनर्जी डिफरेंस है वो कम हो जाता है। ठीक है, ओके, इतनी बात समझ आई। CFT ये कहती है कि जब तक डी ऑर्बिटल्स ऐसे पड़े हैं, कोई भी लिगेंड अप्रोच नहीं कर रहा, कोबाल्ट अपनी जीरो ऑक्सीजन स्टेट में है, कोई भी बॉन्डिंग शो नहीं कर रहा, तो कोई भी निकल आयरन जो भी है, तो इनके जो डी ऑर्बिटल्स हैं इनकी एनर्जी बेटे सेम है, द एनर्जी इज वेरी मच सेम। जैसे लिगेंड अप्रोच करने शुरू होंगे, जैसे लिगेंड अप्रोच शुरू करने होंगे तो क्या होगी, इनकी एनर्जी बढ़ेगी। स्टार्टिंग में जो एनर्जी बढ़ेगी सबकी एवरेज एनर्जी बढ़ जाएगी, क्योंकि सब में जो डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है ना, वो लिगेंड को रिपेल करेंगे, क्योंकि लिगेंड को एक पॉइंट चार्जेस माना गया है इन केस ऑफ एनायन, और डाइपोल माना गया है इन केस ऑफ न्यूट्रल। डाइपोल में भी पोलैरिटी है, उनको भी इलेक्ट्रॉन एक बार रिपेल करेंगे, जब इलेक्ट्रॉन रिपेल करेंगे तो एनर्जी उनकी हायर होगी। जब लिगेंड्स बहुत ज्यादा पास आ जाते हैं तो जो ऑर्बिटल ऑर्बिटल्स हैं जो इन बिटवीन द एक्सिस लाई करते हैं, उनमें रिपल्शन कम होगी, क्योंकि जो लिगेंड्स हैं ऑन द एक्सिस अप्रोच कर रहे होते हैं। ठीक है, ऑन द एक्सिस, तो उनकी जो एनर्जी है बेटे कम हो जाएगी, और जो लिगेंड्स अप्रोच जब कर रहे होंगे, जो ऑर्बिटल्स ऑन द एक्सिस पे हैं दैट इज DX²-Y² एंड DZ², उनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, ज्यादा। हाँ जी, एनी डाउट? हाँ जी, ऑल ऑफ यू आर देयर, पहले तो यही पूछ लिया करें हम, आर यू देयर? यस आदित्य, तुषार, चरण, जो ध्रुव, अंशिता, आर्यन, भव्या, क्षितिज, लक्ष्य, सुप्रिया, मोक ने तो कर लिया, तनवीर। ठीक है, ओके, ठीक। अब ये स्प्लिटिंग हुई, ठीक है, ये स्प्लिटिंग हुई कैसे हुई, क्योंकि देयर इज एनर्जी डिफरेंस T2G और EG में, इसे कहा जाता है बेटे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। ये जो डेल्टा है इसे कहा जाता है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। अब जब लिगेंड अप्रोच करते हैं, सब लिगेंड ये स्प्लिटिंग कोई ज्यादा करवा देगा, मतलब कोई तो इनको बहुत दूर दूर भगा देगा बहुत ज्यादा, और कोई किसी उनको पास रखेगा, ये T2G को और EG को बहुत पास रखेगा। अगर T2G और EG बहुत ज्यादा पास होंगे तो इलेक्ट्रॉन हुंड रूल के हिसाब से फिल होते हैं, पहले तो वन 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 अनपेयर हो जाएगी, फिर यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा पास होंगे अगर ऑर्बिटल्स तो क्या होगा, एक इधर फिल होने के बाद ये फिल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स जो है हायर स्पिन्स का बनता है।
अभी मैं समझाऊंगी विद एन एग्जाम्पल। अगर लिगेंड्स जो हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग फील्ड है, मतलब बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स लेके आ रहे हैं तो पहले ही, तो वो क्या करते हैं, इन दोनों की जो डेल्टा नॉट है वो बढ़ा देते हैं। मीन्स ये ऑर्बिट ज्यादा ऊपर चला जाएगा और ये ऑर्बिटल ज्यादा नीचे चला जाएगा, ठीक है। इनका जो मैग्नीट्यूड है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग का, ये बढ़ा देते हैं। जब बढ़ जाएगा तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी बेटे, पहले नीचे वाले फील्ड होंगे क्योंकि वो बहुत ज्यादा लोअर एनर्जी की हो गए, फिर उसके बाद ऊपर वाले फील्ड होंगे, ठीक है। जब स्प्लिटिंग कम होती है तो ऑर्बिट बहुत पास पास होते हैं, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती है कि नीचे वाले जैसे ही हाफ फील्ड होते हैं ऊपर वाले फील्ड होने शुरू जाते हैं, फिर ऊपर वाले हाफ फील्ड होते हैं फिर नीचे वाले फील्ड होने शुरू हो जाते हैं, ऐसा होगा। मगर अगर आपके जो लिगेंड्स है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स है, वो क्या करेंगे, उनकी स्प्लिटिंग डेल्टा नॉट ज्यादा कर देंगे। जो नीचे वाला है वो ज्यादा नीचे चला जाएगा, जो ऊपर वाला है वो ज्यादा ऊपर चला जाएगा, दैट इज अ डेल्टा नॉट। तो ऐसे में क्या होगा, नीचे वाले ऑर्बिटल्स पहले फिल होंगे फिर ऊपर वाले फिल होंगे, ठीक है। तब बनते इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ये चीज हमें वीबीटी ने एक्सप्लेन नहीं की थी, ये चीज हमें सीएफटी ने एक्सप्लेन करी है, ठीक है। तो जैसे हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज स्टडी करते हैं वैसे एक स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, ठीक है। इन द सेम वे स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है द सीरीज इन विच द लिगेंड्स आर अरेंज इन ऑर्डर ऑफ द इंक्रीज इन मैग्नीट्यूड ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, ठीक है। कितनी वो स्प्लिट करवा सकते हैं, उनका मैग्नीट्यूड क्या है उसके ऊपर डिपेंड करती है, दैट इज अ सीएफटी, दैट इज अ स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो लेट अस सी फ्यू ऑफ द आयंस और लिगेंड्स अरेंज इन द स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो मैंने पहले भी आपको बताया बेटे जो हेलोजन्स हैं उनकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग बहुत कम है। तो आपको पता है सबसे पहले हेलोजन जो नीचे जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम है वो आयोडीन है, तो सबसे पहले आयोडीन ले लिया, फिर ले लिया जी बेटे ब्रोमीन, ठीक है। दो हेलोजन लिखने के बाद बीच में आ जाता है एस सी एन लिगेंड, ओके। आफ्टर टू हेलोजन फिर एस सी एन आ जाएगा, फिर हेलोजन क्लोरीन ले आओ, फिर हेलोजन फ्लोरीन ले आओ, ठीक है। पहले तो हेलोजन कंप्लीट कर लो, वेरी इजी टू रिमेम्बर, फर्स्ट हेलोजन आपने कंप्लीट करने हैं, यू विल कंप्लीट द हेलोजन फर्स्ट, ठीक। आयोडीन ब्रोमीन फिर एच सी एन, ठीक है, जो एम्बिडियन लिगेंड बन जाएगा, फिर क्लोरीन और फ्लोरीन, ओके गॉट इट। उसके बाद आपने ओ एच नेगेटिव, ओ एच नेगेटिव, ठीक है, फिर वाटर। तो यहां तक सारे वीक फील्ड हैं, ठीक। आयोडीन ब्रोमीन एचसीएल देन क्लोरीन देन फ्लोरीन, सिर्फ दो हेलोजन इधर दो हेलोजन इधर एंड बीच में एचसीएल देन ओएच नेगेटिव एंड वाटर। उसके बाद जो हमारे वीक जो स्ट्रॉन्ग आते हैं जिसमें नाइट्रोजन आना शुरू हो जाता है, सारे नाइट्रोजन वाले शुरू कर दो। बुक्स में और भी गिवन है बेटे, बट इतनी इट इज easier to remember this much and this much ligands only come, ठीक है। उसके बाद अमोनिया, अमोनिया उसके बाद अमोनिया से ही इथाइलिन डाइअमीन, वो अगेन नाइट्रोजन है, और फिर उसके बाद सायानाइड उसमें भी नाइट्रोजन है, और उसके बाद कोबा जो कार्बेनाइल है वो तो सबसे है ही स्ट्रॉन्ग, कार्बेनाइल में सिनर्जी का इफेक्ट होता है सी ओ सबसे स्ट्रॉन्ग, ठीक है। इट्स वेरी इजी टू रिमेम्बर, अगेन सबसे वीक आ जाएगा हेलोजन में आयोडीन देन ब्रोमीन फिर बीच में एच सी एन फिर क्लोरीन फ्लोरीन, ये हो गया। फिर हमने वाटर से पहले ओ एच नेगेटिव ले आना है और यहाँ तक हमने वीक फील्ड रखनी है। देन इथाइलिन डाइमिन टेट्रा एसिटेट, ठीक है, अगेन नाइट्रोजन है इसमें, अमोनिया में भी नाइट्रोजन है, इथाइलिन डाइमिन में भी नाइट्रोजन है, और सी एन और सी एन, ठीक है। आप अपनी जो भी लिगेंड्स वाला लर्न करते हो उसमें ये वाले चार एग्जाम्स में आते हैं, दैट इज अमोनिया इन सायानाइड एंड कार्बोनाइल। उसके अलावा आपको ज्यादातर फ्लोरीन लिखा हुआ मिलता है बेटे, क्लोरीन लिखा हुआ मिलता है और वाटर लिखा हुआ मिलता है,
ठीक है, तो क्लोरीन फ्लोरीन एंड वाटर आर वीक फील्ड लिगेंड, ओके, देन अमोनिया इन साइनाइड एंड कार्बन आयल आर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, हो गया ठीक है, याद हो गया सबको। अब वीक फील्ड ने क्या करना है, वीक फील्ड ने स्प्लिटिंग कम करवानी है, तो जब वीक फील्ड होंगे अप्रोच करे इन दोनों में गैप कम है तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा, ये 1 2 3 फिल हो जाएंगे फिर ये फिल होना शुरू हो जाएंगे, यही होगा ना। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स जब वीक फील्ड आते हैं ना तो जो कॉम्प्लेक्सेस हैं वो हाई स्पिन के बनते हैं। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आ जाएंगे जैसे कि ये, तो क्या हो जाएगा, इन दोनों में एनर्जी गैप बढ़ जाएगा, तो जब एनर्जी गैप बढ़ जाएगा तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लोअर एनर्जी में जाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, लोअर एनर्जी में जाने की कोशिश करेंगे। इन्हें हम बताते हैं, एक होती है पेयरिंग एनर्जी, एक होती है डेल्टा नॉट, दैट इज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, ठीक है। जो चीज ज्यादा होगी तो दूसरी इफेक्ट करेगी, मान लो पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है इसका मतलब पेयर नहीं होंगे, अगर डेल्टा नॉट ज्यादा है तो पेयर हो जाएंगे, ठीक है। अब देखें ऐसे क्वेश्चन कैसे आते हैं, आपको फिर समझ आएगा कि हमने इसको करना कैसे है। लेट मी टेक अ क्वेश्चन फॉर यू एंड यू विल बी गेटिंग द पॉइंट क्लियरली देन। यस, ऑन द बेसिस ऑफ सीएफटी राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ D4 आयन इफ डेल्टा नॉट इज ग्रेटर देन पी। देखो बेटे क्वेश्चन इस वे में पूछा जाएगा, ऑन द बेसिस ऑफ सीएफटी राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ D4 आयन इफ डेल्टा नॉट इज ग्रेटर देन पी, ठीक है। अब द क्वेश्चन है कि आपके पास D4 आयन है, दिस सी, दिस इज अ D4, D4 का मतलब है कि D में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं और डेल्टा नॉट इज ग्रेटर देन पी, ओके, डेल्टा नॉट इज ग्रेटर देन पी है। अब जब क्रिस्टल फील्ड इज मोर देन पेयरिंग एनर्जी, इफ क्रिस्टल फील्ड इज मोर देन पेयरिंग एनर्जी, इसका मतलब ये अलग अलग ज्यादा हो रहे हैं, जो एनर्जी ज्यादा है वो चीज पॉसिबल नहीं है, तो पेयरिंग एनर्जी कम है बेटी, इस क्वेश्चन में पेयरिंग एनर्जी कम है, इसका मतलब ये पेयर्ड हो जाएंगे, इसका मतलब ये चारों किसमें जाएंगे, इट विल मूव इन T2G, इट विल मूव इन T2G नॉट इन EG, इट विल मूव इन T2G, गॉट द पॉइंट, ओके। इफ आपको क्वेश्चन में उल्टा पूछा गया होता D4 है बेटे एंड डेल्टा नॉट इज मोर लेस देन पेयरिंग एनर्जी, अब डेल्टा नॉट जो है वो क्या है, लेस है, इसका मतलब क्या है, इसमें जो डिफरेंस है वो कम हो गया, इट विल कम क्लोजर एंड पेयरिंग एनर्जी अब ज्यादा है, ठीक है, इसका मतलब ये पेयर नहीं होंगे, जो चीज ज्यादा है वो नहीं होगी, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कहाँ जाएंगे, इसमें वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन आफ्टर फिलिंग हाफ फील्ड विल मूव इन द EG, सो दिस वे द बोथ द क्वेश्चन विल बी आस्क्ड, वन इज बेटे T2G एंड EG, अदर वन यू वे हैव टू टेल, तो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है दैट इज T2G4 एंड EG क्या है 0, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्योंकि पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है, डेल्टा नॉट स्प्लिटिंग कम है, इसका मतलब ये दूर दूर भागे नहीं है, ये पास पास ही है, तो इट विल बी T2G3 एंड EG1, गॉट द पॉइंट, हाँ जी, एनी डाउट, यस। इसमें से बेटे ऐसे क्वेश्चन आएगा कि आपको ये दिया होगा और आपने फिर बताना होगा कि इनकी कॉन्फिगरेशन कैसी है। अच्छा, अगर मैं आपको D5 दे दूं, इफ आई हैव D5 लाइक दिस इज अ D4 एंड आपको बोला जाए कि डेल्टा नॉट इज मोर देन पेयरिंग, तो आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होगी बेटे, ऐसे क्वेश्चन आने CFP में से, हरी अप हरी अप हरी अप, यस, D5 है तो कॉन्फिगरेशन क्या होगी,
जल्दी एनीवन, आदित्य, तुषार, चरणजोत, एनीवन। हाँ जी, इफ D5 इलेक्ट्रॉन है आपके पास और आप कह रहे हो डेल्टा नॉट ज्यादा है पेयरिंग से, इसका मतलब क्या है? डेल्टा नॉट बढ़ गई, ये एनर्जी गैप बढ़ गया, तो इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ रहेंगे, सिर्फ T2 में जाएंगे, EG में नहीं जाएंगे। इट विल मूव इन T2G, सो इट विल बी T2G5 एंड ईजी क्या हो जाएगा? जीरो। ईजी विल बी जीरो मीन्स ऑल द 5 इलेक्ट्रॉन विल ऑक्यूपाई द पोजिशन इन द लोअर T2G रेदर देन द हायर ईजी। यस बेटे, हाँ जी, यू ऑल आर देयर? आदित्य, तुषार, चरणजोत, ध्रुव, हाँ जी। अगर आपके पास बेटे D6 हो, D6, तो देन क्या होगा? और डेल्टा नॉट पेयरिंग एनर्जी से ज्यादा हो, देन क्या होगा बेटे? अगर आपके पास D6 है और डेल्टा नॉट इज मोर देन पेयरिंग, तो आपकी इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन क्या होगी? हरी अपना, यू विल टेल मी। इफ D6 इज देयर एंड डेल्टा नॉट स्प्लिटिंग इज मोर देन पेयरिंग एनर्जी, देन व्हाट विल बी द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? हरी अप, ओके, टाइप द आंसर एंड टेल। हरी अप। इट विल बी T2G6 एंड EG0। वेरी नाइस, ओके। अगर पेयरिंग एनर्जी ज्यादा होगी तो इट विल बी T2G3, T2G4 एंड EG2। ओके, इफ द पेयरिंग एनर्जी इज मोर, देखो अब पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है तो पहले ही अनपेयर, देखो तीन पहले चले जाएंगे इसमें, तो ये ऐसे बनेगा, पहले T2G में सिंगली अनपेयर, देन हियर, फिर एक और यहाँ पे। अगर आपकी डेल्टा नॉट से ज्यादा पेयरिंग एनर्जी हो तो कॉम्प्लेक्स विल बी लाइक दिस। फॉर द पॉइंट? यस बेटे, तो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन आर आस्क्ड इन फ्रॉम द CFT। आपको CFT में ये पता होना चाहिए, ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब डेल्टा नॉट से ज्यादा पेयरिंग ज्यादा है, जो चीज ज्यादा है वो नहीं होगी। अगर पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है तो पेयरिंग नहीं होगी, ये अनपेयर्ड रहेंगे, ठीक है? अगर डेल्टा नॉट ज्यादा है तो पेयरिंग होगी। इफ डेल्टा नॉट इज मोर लाइक हियर, पेयरिंग एनर्जी इज मोर, तो पेयरिंग नहीं होगी, इट विल फॉर्म लाइक दिस, ठीक है? इफ डेल्टा नॉट इज मोर देन पेयरिंग होगी। गॉट इट? क्लियर विद द CFT? ओके, सो CFT में जो बेटे, या तो आपको व्हाट इज स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज दे विल आस्क यू, इधर दे विल आस्क यू अबाउट ड्रॉ द फुली द डायग्राम शोइंग दिस, दिस डायग्राम कैन बी आस्क फॉर 3 मार्क्स, तो आपने इसको ऐसे शो करना है, और 1 मार्क्स में तो यही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? अब बेटे एक और थ्योरी है, दैट इज नोन एज वर्नर थ्योरी, ठीक है? वर्नर थ्योरी में 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। वर्नर थ्योरी 2 टाइप ऑफ वैलेंसीज की बात करती है, प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी, ठीक है? ओके, वर्नर थ्योरी, लेट मी टेक दैट ऑल्सो। वंस इन 10 ईयर्स वर्नर थ्योरी में से क्वेश्चन आता है बेटे, अदरवाइज CFT और VBT में से ही आता है, ठीक है? वर्नर थ्योरी ने कहा, ठीक है, एक जो कॉम्प्लेक्स बनता है और जो मेटल है ना, उसकी 2 टाइप ऑफ वैलेंसी होती हैं,
एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में एक होती है बेटे प्राइमरी वैलेंसी एंड वन इज सेकेंडरी वैलेंसी। जो प्राइमरी वैलेंसी है दैट कोरस्पोंड्स टू द ऑक्सीडेशन स्टेट या नंबर, ठीक है। प्राइमरी वैलेंसी जो है वो ऑक्सीडेशन नंबर्स को न्यूट्रलाइज करती है। फॉर एग्जांपल अगर कोबाल्ट 3 पॉजिटिव है तो उसको जो बैलेंस करने के लिए हमें 3 नेगेटिव एनायंस लगाने पड़ेंगे, जैसे 3 Cl नेगेटिव लगा दो या 1 सल्फेट लगा दो, 1 Cl नेगेटिव लगा दो। तो जो प्राइमरी वैलेंसी है वो ऑक्सीडेशन नंबर डिपिक्ट करती है मेटल का, और वो सेटिस्फाई किससे होती है, एनायन से, ठीक है। इट इज सेटिस्फाइड बाय एनायन। और ये जो वैलेंसी है ये आयोनाइज हो सकती है और इनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती क्योंकि ये तो आयनिक बॉन्ड बनाती है, ठीक है। तो इट इज आयोनाइजेबल एंड नॉन डायरेक्शनल। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंडरी वैलेंसी आ जाओ। सेकेंडरी वैलेंसी कोरस्पोंड टू द कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर। और ये जो है दिस इज नॉन आयोनाइजेबल, ओके, दिस इज नॉन आयोनाइजेबल एंड इट इज ऑल्सो डायरेक्शनल। ठीक है, ये आयोनाइजेबल होती है और नॉन डायरेक्शनल होती है, और ये वाली नॉन आयोनाइजेबल और डायरेक्शनल मीन्स की डायरेक्शन होती है। दिस कैन बी ऑक्टाइडल, दिस कैन बी टेट्राइडल, दिस कैन बी स्क्वायर प्लेनर, एनीथिंग। ठीक है, फॉर एग्जांपल नाउ जस्ट चेक आउट द एग्जांपल, यू विल लर्न मोर अबाउट, और इसमें से फिर मैं क्वेश्चन बताऊंगी बेटे कैसे आते हैं। And again, less than 1 minute is remaining. So we'll continue with this tomorrow and we'll do the question from this Werner theory also. Any doubt in the CFT?